सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे अक्षर श, लेटर श। श से षटकोण, षटकोण मींस हेक्सागन। श से षट, षट मींस सिक्स। अब हम जानेंगे षटकोण के बारे में। नाउ वील नो अबाउट हेक्सागन। षटकोण एक आकार है, हेक्सागन इज ए शेप। षटकोण के छह पक्ष हैं, हेक्सागन हैज सिक्स साइड्स। यह षटकोण आकार की प्लेट है, दिस इज ए हेक्सागनल प्लेट। अब हम जानेंगे षट के बारे में। नाउ वील नो अबाउट सिक्स। षट का मतलब छह होता है, षट मींस सिक्स। यह षट पतंगे हैं, दीज आर सिक्स काइट्स। यह षट फूल हैं, दीज आर सिक्स फ्लावर्स। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी रिलेटेड टू लेटर श। एक बार एक कॉलोनी के सभी बच्चों ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। वंस ऑल द चिल्ड्रन ऑफ ए कॉलोनी मेड ए पिकनिक प्रोग्राम। वहां वे तरह तरह के खाने का सामान ले गए। देयर दे टुक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स। एक बच्चा षटकोण आकार की थाली लाया। ए चाइल्ड ब्रॉट ए हेक्सागन शेप्ड प्लेट। सबको उसने खाना षटकोण आकार की थाली में दिया। He gave everyone food in a hexagon-shaped plate. खाना बहुत स्वादिष्ट था। The food was delicious. बाद में सभी बच्चों ने आकाश में पतंगे उड़ाई। Later, all the children flew kites in the sky. एक बच्चा पतंगे गिन रहा था। One of the child was counting kites. उसने बताया कि आकाश में षट पतंगे उड़ रही हैं। He told that six kites flying in the sky. सभी बच्चों ने खूब मजा किया। All the kids had a lot of fun. और आसपास की सभी चीजों को गिनने लगे and started counting everything around. शाम होने पर सभी बच्चे खुशी खुशी घर लौट आए। In the evening, everyone returned home happily. तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें छोटी चीजों का भी आनंद लेना चाहिए। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड एंजॉय द लिटिल थिंग्स टू। अब हम जानेंगे अक्षर श को कैसे लिखते हैं। नाउ वील नो हाउ टू राइट लेटर श। एक, दो, तीन, चार, पांच। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। में आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है, नीली लाइन पर ही लिखना है। इन दिस वी डू नॉट हैव टू राइट ऑन रेड लाइन, वी हैव टू राइट ओनली ऑन ब्लू लाइन। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हम फिर मिलेंगे अगले अक्षर के साथ।